नेपिस सुरंग क्यों सुर्खियों में है, ये कहाँ स्थित है और जो है इसका उद्घाटन कब किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो इसे हम आज जानेंगे। पहले इस पर आधारित एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेपिचू सुरंग की आधारशिला रखी है। यह सुरंग किस राज्य में स्थित है? पहला सिक्किम, बी वाला मिजोरम, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, डी है हिमाचल प्रदेश। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में है। 12 अक्टूबर 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग की सड़क पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेचपू सुरंग की आधारशिला रखी है। यह सुरंग जो है 450 मीटर लंबी है। 2 लेन वाली यह सुरंग नेचपू पास में सभी मौसम में कनेक्टिविटी और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में एक सुरक्षित मार्ग प्रदान करेगी। इसी दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में निर्मित 44 पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इन पुलों का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा निर्मित किया गया है। एक ही वर्ष में 44 पुलों को समर्पित किया जाना एक रिकॉर्ड है। 30 मीटर से लेकर 484 मीटर तक के विभिन्न आकार के ये 44 पुल जम्मू कश्मीर में 10 हैं, लद्दाख में 8, हिमाचल प्रदेश के 2, पंजाब के 4, उत्तराखंड के 8, अरुणाचल प्रदेश के 8 और सिक्किम के 4 स्थित हैं। ये पुल सीमा क्षेत्र में नागरिक और सैन्य सहायता की भारी आवाजाही को सुविधाजनक बनाने हेतु डिजाइन किए गए हैं।